गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल ऑन लर्निंग यूनिवर्स में स्वागत है। आज हम छठी से आठवीं क्लास की वर्कशीट नंबर 51 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और ये वर्कशीट आपकी 2 सितंबर के लिए है। तो आपकी जो आज का जो वर्कशीट है वो अपनी विरासत को जानिए, यानी जो हमारे अतीत किताब है उससे लिया गया है और उसमें हम अपने विरासत, जो हमारे विरासत के स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 विरासत स्थलों के बारे में बताया गया है और उनमें सबसे ऊपर है कुतुब मीनार। तो आइए कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं कि यह 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? 1193 में। किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। यद्यपि यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था लेकिन उसकी बीच में ही मृत्यु हो गई, तो केवल इसका आधार ही बनवा पाया था। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर के द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। 5 मंजिल हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3 मंजिल तक, यहाँ तक का जो निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी जो 3 मंजिल है इनका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बाद की 2 मंजिल हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान करके अपनी किताब में, सॉरी अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे। और फिरोज कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे करवाया था? लाल बलुआ पत्थर से, सॉरी कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने। और फिरोज तुगलक ने इसकी 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से। किससे? संगमरमर और बलुआ पत्थरों से। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। तो आगे भी जब ये हमने पढ़ लिया कुतुब मीनार के बारे में, आगे इससे संबंधित प्रश्न हैं तो इन चीज़ों को उसमें पढ़ के इन्हीं से आपको उत्तर देना है। अगला आपका है लाल किला। तो लाल किला हम जानते हैं ये भी दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने कब करवाया था? निर्माण शुरू हुआ था 1639 में और 1648 के मध्य ये बन के तैयार हो गया था। तो इसको लगभग आप ये देख सकते हैं कि लगभग 9 साल इसको बनने में लग गए थे। किसको? लाल किला को। आगे पढ़ते हैं कि और जब उसने अपनी साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तो इसको बनवाया था। पहले मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, तो वहाँ से जब शाहजहाँ ने दिल्ली स्थानांतरित की तो वहाँ पे अपनी राजधानी और अपनी पूरी साजो सामान, अपना दरबार, ये सब करने के लिए उसने पूरा शहर बसाया शाहजहाँबाद, और उसी के बाद वहाँ पर उसने लाल किला बनवाया। इसका निर्माण यमुना नदी के तट पर हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। किससे? लाल बलुआ पत्थर से। और इसके वास्तविक वास्तुशिल्प का श्रेय, यानी इसकी जो डिज़ाइन बनाया है, इसको जो निर्माण करवाया था, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी आप ध्यान से याद नोट कर लीजिए। अब आपका अगला है इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट हमको जैसा पता है राष्ट्रपति भवन के सामने जो इंडिया गेट है, और यहीं पे सलामी दी जाती है जो क्या बोल 15 अगस्त, 26 जनवरी को। तो ये काफ़ी भी, ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है, हमारा विरासत स्थल है। इसका यह एक युद्ध स्मारक है। कब इसका निर्माण? 1914 से लेकर 1921 के बीच किया गया था। क्यों? क्योंकि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे, चूँकि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो बहुत सारे भारतीय लोगों ने भी भाग लिया था, तो उनकी वो भी शहीद हुए थे। तो उनकी स्मृति में इसको भारत में बनवाया गया था। शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सैनिक जवानों के सम्मान के लिए, जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे उनके लिए। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया था किसने? उस समय का जो भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन यहीं पर 1971 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उसके पहले भी भारत पाकिस्तान से और चीन से युद्ध हो चुका था। तो उसके बाद 71 के युद्ध के बाद यहाँ पे एक अमर जवान ज्योति स्थापित की गई, और उस ज्योति का इसलिए स्थापित किया गया, यानी उस ज्योति
के माध्यम से जो भी जवान हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, ऐसे हजारों अज्ञात सैनिकों को याद करने के लिए ये जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति वहाँ पे प्रज्वलित की जाती है और ये हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना चाहिए। अब इसके बाद देखिए आपके 3 क्वेश्चन हैं, क्या है? लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में करिए, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए और कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो इनके आंसर देखिए ये मैंने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इसको ऐसे वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। पहला है लाल किले के बारे में, लाल किला भारत की वास्तुशिल्प का अत्यंत महत्वपूर्ण विरासत है। इसका निर्माण सम्राट शाहजहाँ ने करवाया था। यह यमुना नदी के किनारे लाल बलुआ पत्थर से बनी है, ऐतिहासिक इमारत है, यह विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये हो गया अमर जवान ज्योति के बारे में हमने यहाँ लिखा है और कुतुब मीनार किससे बना है ये, तो आप वीडियो रोक के इसको पूरा अपना आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो चौथा प्रश्न है क्या है, चौथे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो चौथा प्रश्न आपका है कि बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक के किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो अब इसमें हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा, तो जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को जो भी जगह पसंद आए वह उस जगह का नाम लिख सकता है। और ये आपकी आज की वीडियो का पूरा सॉल्व रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।